Welcome back. In this video, we'll discuss on important current affairs of September 4th week. If you are new to the channel and feel the information is helpful, please subscribe and press the bell icon. Let's start. First one. Which movie has won the Best Film Award in Nexa International Indian Film Academy Awards IIFA 2019? Nexa Antarrashtriya Bharati Film Academy Puraskar IIFA 2019 mein kis film ne sarvashrestha film ka puraskar jeeta hai? Answer is Razi. इन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? बेस्ट एक्टर अवार्ड रणवीर सिंह को मिला एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाई आलिया भट्ट. नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बीइंग गांधी? बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज पारो आनंद. पारो आनंद इज द ऑथर ऑफ द बुक बीइंग गांधी. नेक्स्ट वन, Which Indian movie is chosen as India's official entry to Oscars 2020? Oscar 2020 में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किस भारतीय फिल्म को चुना गया था? Answer is Gully Boy. This movie was directed by Zoya Akhtar and leading actors are Ranveer Singh and Alia Bhatt. Next one. When is World Rhino Day observed? विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 22nd सितंबर. नेक्स्ट वन, रिसेंटली एक्टर गोविंदा वॉज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में अभिनेता गोविंदा को किस राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर इज मध्य प्रदेश. उन्हें मध्य प्रदेश में परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था. नेक्स्ट वन, पीएम नरेंद्र मोदी वॉज अवार्डेड 2019 गोलकीपर अवार्ड रिसेंटली. ही रिसीव दिस अवार्ड फॉर विच प्रेस्टिजियस स्कीम? पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में 2019 ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें यह पुरस्कार किस प्रतिष्ठित योजना के लिए मिला? आंसर इज स्वच्छ भारत मिशन. उन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार मिला. नेक्स्ट वन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग्स 2019? वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? आंसर इज 44th रैंक. टॉप रैंक में कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स. नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप फॉर स्पेस स्टेशन? किस देश ने स्पेस स्टेशन के लिए विश्व का सबसे बड़ा परिवहन स्पेसशिप लॉन्च किया है? आंसर इज जापान. जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो. और करेंसी जापानीज येन. नेक्स्ट वन, रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी हाउसेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY अर्बन? हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शहरी के तहत सरकार द्वारा कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? आंसर इज 1.23 लाख हाउसेस. 2022 तक इन योजना का लक्ष्य क्या है? 2022 तक 1.12 करोड़ घरों का निर्माण करना इस योजना का लक्ष्य है. नेक्स्ट वन, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 27th सितंबर. हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है. नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज क्रिस्टलिना जॉर्जीवा. हु इज क्रिस्टलिना जॉर्जीवा? शी इज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम बल्गेरिया. नेक्स्ट वन, विच पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी हैज अपॉइंटेड पीवी सिंधु एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली? हाल ही में किस पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी ने पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर इज वीसा. वीसा इज ए टॉप पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी. नेक्स्ट वन, नेम द ट्राइलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया जापान एंड US रिसेंटली? हाल ही में भारत जापान और अमेरिका के बीच आयोजित समुद्री अभ्यास का नाम बताइए. आंसर इज मलाबार 2019. यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? यह जापान के तट पर आयोजित किया गया था.
नेक्स्ट वन, वर्ल्ड मैरिटाइम डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 सितंबर. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया. इस साल का थीम क्या है? आंसर इज एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरिटाइम कम्युनिटी. नेक्स्ट वन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द 2019 शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस रिसेंटली. दिस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए. यह पुरस्कार किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, क्षेत्र से संबंधित है. नेक्स्ट वन, PM नरेंद्र मोदी अटेंडेड द इवेंट हाउडी मोदी रिसेंटली. वेयर वॉज द इवेंट हेल्ड? PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लिया. यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर इज हॉस्टन. नेक्स्ट वन, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 वॉज हेल्ड रिसेंटली इन न्यूयॉर्क. वॉट इज द थीम ऑफ दिस समिट? हाल ही में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था. इस समिट का थीम क्या है? आंसर इज ए रेस वी कैन विन, ए रेस वी मस्ट विन. नेक्स्ट वन, व्हेन इज वर्ल्ड रैबिस डे ऑब्जर्व? विश्व रैबिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 28 सितंबर. थीम ऑफ 2019 इज रैबिस वैक्सीनेट टू एलिमिनेट. नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी विच वॉज रिलीज्ड रिसेंटली? हाल ही में प्रणब मुखर्जी द्वारा जारी की गई रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इज सुब्रमण्यन स्वामी. नेक्स्ट वन, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड कजकिस्तान रिसेंटली. हाल ही में भारत और कजकिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए. आंसर इज काजिन 2019. इस अभ्यास का नाम याद रखना आसान है क्योंकि काजिन कजाकिस्तान एंड इंडिया. कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान. रिमेंबर प्रीवियसली द कैपिटल वॉज आस्ताना एंड दिस ईयर द कैपिटल चेंज टू नूर सुल्तान एंड करेंसी ऑफ कजाकिस्तान इज कजाकिस्तानी तेंगे. थैंक यू.